नमस्कार, मैं मधुमिता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल स्वीट कॉम फैमिली में। ये फ्लावर है, हमारे घर के पास में ही एक छोटा सा पार्क जैसा है उसमें बना हुआ है और बहुत ही अच्छे लग रहे, इसीलिए आपके साथ ये फ्लावर मैं शेयर कर रही हूँ। शाम के टाइम वॉकिंग जाते हैं तो मैं ये पिक लिया था तब। और आज आपके साथ जो शेयर करूँगी वो रेसिपी है हैदराबादी बैगन, हम लोग इसको बोलते हैं। जब हम हैदराबाद में रहते थे तब खाए थे और बहुत ही टेस्टी है। इसके लिए मूंगफली, नारियल और थोड़ा सा तिल का पाउडर, जीरा, हींग, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और मेन है इमली का जो पेस्ट है वो, और करी पत्ता का खुशबू बहुत ही अच्छा था इसमें। तो इसके लिए मैंने एक पाव बैगन लिया और उसको बीच में थोड़ा सा कटिंग करके अच्छे से धो लिया नॉर्मल पानी से। अब इसको 2 चम्मच तेल में थोड़ा सा ऐसे रोस्ट कर लेंगे ताकि बैगन का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए और सॉफ्ट हो जाता है, तो इस बात में टाइम भी कम लगता है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा नारियल और मूंगफली ये भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि सब मसाला पूरा फ्राई किया हुआ ही होगा तो इसमें ज़्यादा टेस्ट आते हैं। सब लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, टमाटर ये सब कुछ डाल के थोड़ा सा नमक डालना है ताकि ये नरम हो जाए, और इसको 4-5 मिनट के लिए बस पका लेना है। और बस गैस बंद करके इसको थोड़ा सा ठंडी करके पेस्ट बनाना है। उससे पहले मैंने नारियल और मूंगफली, तिल ये सब का पेस्ट पहले बना चुकी और उसमें ये डाल दिया, और अदरक और लहसुन, जो धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ये सब एक थोड़ा सा पानी में मैं घोल के रखा। उस वो रखने से थोड़ा टेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। और हींग, करी पत्ता, जीरा का मैं तड़का लगा दिया, सूखी मिर्ची होने से वो भी डाल सकते। और ये जो है पेस्ट जो मैंने सूखा पाउडर का बनाया था वो सब डाला, और मिक्सी में जो पेस्ट बनाया था वो भी इसी में डालना है। कि उससे पहले थोड़ा जो सूखी मसाले उसको थोड़ा सा पकना देना है, क्योंकि उसमें जो स्मेल होता है वो चला जाता है इसके वजह से। ये जो मेन है, कोई कोई नारियल भी डालता है, कोई कोई नारियल का दूध भी डाल सकते हैं, इसी में खुशबू बहुत अच्छे से आती है। तो मैंने, मेरे पास सूखा नारियल था इसीलिए मैंने डाल दिया, या कच्चा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, इसका टेस्ट अलग ही आता है, कच्चा नारियल से और ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब ये जो मसाला सब मिक्सी के जार में और कटोरी में था ये सब पानी में धो के सब मसाले में यूज़ हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है। और नमक अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने तब भी डाला था मसाले में सॉफ्ट होने के लिए। और जैसे ये एक उबाल आए बैगन को देखिए थोड़ा सा ढक के रखना है, और इसमें तेल अच्छे से छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा इमली का पानी है वो डाल दीजिए। इमली का पानी में से जो खट्टापन है और तीखा बड़ा दोनों मिला के बहुत ही अच्छा सा एक स्वाद आता है इसमें। अब बन चुके हैं, आज मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, चावल यही सब्ज़ी है। अब देख सकते हैं खाना तो बन चुके हैं, बेटा को दिया। अब मेरा छत में भी थोड़ा सा काम है इसीलिए मैं छत की तरफ जा रही हूँ। सीढ़ी में सारे गमले को मैंने, पहले छत में था तो सारे पौधे जल गया, थोड़ा सा धूप तेज़ हो गया तो अंदर रखा। आप सोच रही हूँ बैलकनी धो के इसको सबको बैलकनी में शिफ्ट करना है, इसके लिए थोड़ा बैलकनी साफ़ करना ज़रूरी है, देखते हैं कब होता है। और जो पौधे मर गए थे उसका गमला भी साफ़ करके नया मिट्टी भर के अच्छे से लगाना है, फिर बाद में कुछ डालेंगे इसमें। और क्या है कि जब छत में आए तो अजवाइन भी सुबह सुबह डाल के गई थी, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं सूखा है कि नहीं, क्योंकि अजवाइन 250 ग्राम करीब मैंने धोया था, नमक और जो सिंधा नमक डाल के धूप में रखा, और ये सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए तेज़ धूप होना ज़रूरी है इसीलिए। और जो साड़ी का फॉल और ब्लाउज़ का नहीं है, सूट का थोड़ा सा अस्तर था वो भी सोचा था छत में ही धो के इधर ही डाल देते हैं, क्योंकि धूप है अच्छे से सूख भी जाएंगे और शाम के टाइम प्रेस लगा लेंगे। तो इसके वजह से मैं बाकेट लेके आया और टंकी से पानी निकाल के ये जो है फॉल 2-3 है, और जो अस्तर है ड्रेस का है, ब्लाउज़ का भी एक है शायद, ये सब धो के मैं डाल देती हूँ। इसी तरह पूरा दिन निकल जाते हैं, हम लेडीज़ लोगों का काम कभी ख़त्म नहीं होता, ये ख़त्म तो दूसरा, दूसरा ख़त्म तो तीसरा।
चलिए आज के वीडियो को मैं इधर ही एंड करती हूँ। कुछ भी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप लोगों का कमेंट से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों का हेल्प बहुत ज़रूरी होता है। न्यू जो यूट्यूबर होता है उनके लिए कमेंट बहुत ज़रूरी होता है, कमेंट से कुछ ना कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, इसीलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।